हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्वेश्चंस, इंग्लिश बुक ग्रेड 7 से। इस वीडियो में हम मेनली जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसको जो है डिस्कस करेंगे। स्टोरी का पार्ट 1 जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है एक कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा था वो ये क्यों जानना चाहता था कि उसके जो 3 सवाल हैं उसके उसको सही से आंसर मिल जाए। तो इसका आंसर ये है कि द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही विल नेवर गेट फेल्ड इन हिज लाइफ। किंग जो है ये चाहता था कि मेरे को आंसर्स पता चल जाएं ताकि जिंदगी में मैं जो हूँ कभी किसी चीज में फेल ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, मैसेजेस वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। अब इसमें आपको 4 आंसर्स बताने में से एक सही जो है वो मार्क करना है। तो जो मैसेंजर्स थे वो पूरे राज्य में भेजे गए, किस लिए? टू फेच वाइज मैन, जो दिमाग बुद्धि वाले आदमी थे उनको लाने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जवाब पाने के लिए क्वेश्चंस के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, जो हर्मिट था उसको ढूंढने के लिए। या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या एक रिवॉर्ड अनाउंस कराया गया था कि जो भी राजा के सही जो इतने भी जवाब है उनका सही क्वेश्चंस का जवाब देगा तो उसको जो है इनाम मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 4th one, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। स्टोरी का जो पार्ट 2 है जब वो खत्म हुआ उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसके क्वेश्चंस क्या है। पहला है, द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है एग्जैक्टली जो उसका करेक्ट उसका इनकम्प्लीट पार्ट है उसको लिख के। तो फर्स्ट है, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है, बट देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वाज नॉट सैटिस्फाइड। बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने कोशिश करी किंग के जवाब देने की क्वेश्चंस के, लेकिन उनके जो आंसर्स थे वो इतने अलग अलग थे कि किंग जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुए। दूसरा है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सजेस्ट किया कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनका एक काउंसिल होना चाहिए, किस लिए? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि राजा जो है सही वक्त पे सही तरीके से एक्ट कर सके। तीसरा है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि राजा का जो है एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसकी आगे का हाफ पार्ट क्या है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करे। फोर्थ है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। अब किंग ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट करी, वो ये था टू आंसर 3 क्वेश्चंस, उसके जो 3 क्वेश्चन है उनका आंसर दे दे। फाइनली फिफ्थ क्या है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। जो राजा थे उन्होंने जो दाढ़ी वाला आदमी था उसका जो घाव था उसको धोया, उसकी मरहम पट्टी करी। हाफ पार्ट क्या है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो खून था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। अब आते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। तो उसमें पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। किंग को क्यों सलाह दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाए। तो इसका आंसर है, In response to the answer for the first question, some suggested that there were some things which could be urgent and cannot wait for the decision of the council. पहले question के जवाब के response में किसी ने सुझाव दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत urgent होती हैं, जो एकदम से करनी पड़ती हैं, और उस समय वो council के decision का wait नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और अगर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल सही समय पे हम सही चीज़ को डिसाइड करें तो ऐसे में जो है हमें भविष्य को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ जो है मैजिशियन लोग कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसीलिए राजा को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हु एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके जवाब में किसकी एडवाइस लोगों ने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी किंग के लिए, तो उसमें आंसर है, द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड इवन सोल्जर्स वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर द किंग। जो काउंसलर्स होते हैं यानी मंत्रीगण जो हैं, पंडित हुए, वे जो वैद्य होते हैं या यहाँ तक कि सिपाही लोग जो हैं, उनकी जो एडवाइस है, सलाह जो है, वो किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे सवाल के सुझाव में क्या क्या जो आंसर था उसमें सुझाव दिए गए, तो उसका है, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सजेस्टेड साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप
वो आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा, किसी ने कहा, जो विज्ञान है या लड़ाई है या जो धार्मिक पूजा पाठ होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। वो जो बुद्धिमान लोग थे, क्या उनको किसी को अवार्ड मिला? नहीं तो क्यों नहीं? आंसर है, द वाइज मैन डिड नॉट रिसीव एनी अवार्ड फॉर द आंसर्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर दोज थ्री क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। अब ये जो वाइज मैन थे, इनको रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन लोगों ने जो भी जवाब दिए उन तीन सवालों के, उससे जो राजा थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको रिवॉर्ड नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। जो घायल आदमी था उसकी किंग और उस हर्मिट ने कैसी मदद करी? द किंग वॉश्ड द लार्ज वुंड ऑफ दैट मैन एंड देन कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। राजा ने क्या किया, उसका जो इतना बड़ा सा घाव था उसको धोया, अच्छे से साफ किया, फिर अपने रुमाल से जो है उसको ढक दिया, कवर करा, पट्टी बांधी ताकि उसका खून बहना रुक जाए। सिंस द ब्लीडिंग वॉज गोइंग ऑन सो ही रीड्रेस्ड अगेन एंड अगेन टू गेट इट स्टॉप्ड। अब क्योंकि खून बहना बंद नहीं हो रहा था, इसलिए वो जो है बार बार उसकी पट्टी बदल रहे थे कि जब तक खून ना रुक जाए। देन ही गेव द मैन फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड टुक हिम इनसाइड द हट विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट एंड मेड हिम लाई ऑन द बेड टू गेट रिलैक्स्ड। फिर उन्होंने उस आदमी को एक साफ शुद्ध पीने का पानी दिया और हर्मिट की मदद से वो जो है उसको झोपड़ी के अंदर ले गए और वहां उसको बेड पे लिटा दिया ताकि उसको आराम मिल सके। हु वॉज द बियर्डेड मैन। अब ये दाढ़ी वाला आदमी कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी एंड केम देयर विद द इंटेंशन टू किल द किंग टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ एंड सीजिंग ऑल ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। अब ये जो दाढ़ी वाला आदमी था, ये बेसिकली राजा का दुश्मन था और वहाँ इसलिए आया था ताकि वो राजा को मार सके, बदला ले सके अपने भाई की डेथ का और जो उसकी प्रॉपर्टी सारी ले ली, हड़प ली या जब्त कर ली उसके लिए। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। लेकिन फिर बाद में उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? ही वॉज रिकॉग्नाइज बाई द किंग्स बॉडी गार्ड्स एंड वॉज वुंडेड बाई देम बट वेन ही केम टू द किंग इन वुंडेड स्टेट ही हेल्प्ड हिम अनोइंगली एंड सेव्ड हिज लाइफ सो ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। अब जब वो जो है छिपा हुआ था ओट में, राजा को मारना चाह रहा था, उस समय जो राजा के बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसे पहचान लिया था और वहाँ उसको उन्होंने जो है घायल कर दिया था। लेकिन जब वो उस घायल अवस्था में राजा के पास आया तो राजा ने उसकी मदद करी जाने अनजाने में और उसकी जान बचा ली। तो इसी वजह से फिर उसको जब होश आया, वो थोड़ा सा ठीक हुआ, तो उसे लगा कि नहीं, किंग ने मेरी मदद की और इसलिए उसने जो है उनसे माफ़ी मांगी। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। अब राजा ने जो है उस आदमी को माफ तो कर दिया, लेकिन उसको माफ करने के लिए उन्होंने क्या किया? इन ऑर्डर टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग प्रॉमिस्ड टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी बैक एंड ऑल्सो ही विल सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ हिम एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज सर्विस एज सर्वेंट ही ट्रीटेड हिम एज हिज फ्रेंड। राजा ने क्या किया, उसको माफ कर दिया है, इस ऐसा दिखाते हुए उन्होंने सबसे पहले तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वापस करने का प्रॉमिस किया, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो जो है अपने सर्वेंट्स को और डॉक्टर्स को भेजेगा ताकि उसकी देखभाल हो सके, और बजाय उसको एक अपना सेवक बनाने के या सर्वेंट की तरह ट्रीट करने के, उन्होंने जो उसको अपने एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। अब हर्मिट ने क्या आंसर दिए उन तीनों सवालों के, हर एक आंसर आपको अलग अलग लिखना है, आपको यह चॉइस है आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। एक ही समय है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो समय है अब। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि यही वो वक्त है जब हमारे पास ताकत है कि हम एक्ट कर सके। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे सही आदमी वो है जिसके जो इस वक्त तुम्हारे साथ है, क्योंकि कोई नहीं जानता भविष्य में क्या लिखा है या तुम किसी और से मिल भी पाओगे या नहीं। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that person's purpose alone. सबसे महत्वपूर्ण जो एक बिजनेस है, काम है, वो ये है कि इंसान की भलाई करो, अच्छाई करो उसके साथ, क्योंकि दुनिया में हम इसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं। आई लाइक द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट फॉर इट इज द टाइम विच हैज द सुप्रीम पावर। अब हमें जो है पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट इसलिए लगा क्योंकि समय ही जो है वो सबसे हम कहते हैं बलवान होता है
और वन हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम टू डू समथिंग गुड। हाँ, जैसे कहते हैं कि हमें जब काम करना है तो अभी करो, क्यों? क्योंकि अभी मौका है हमारे पास करने के लिए। हो सकता है हम किसी काम को करना चाहते हैं पर हमें आगे वक्त ना मिल ना पाए, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट समय है, अभी सोचा है तो अभी कर लो। वी हैव टू लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर प्रेजेंट, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हमें वैसे ही जीना है, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना है। यहाँ पर मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, हमने आपको बिल्कुल करेक्ट जो मीनिंग्स हैं वो दिए हैं यहाँ पे। फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या हुआ? बेहोश हो जाना। लॉस्ट कॉन्शियसनेस, आपको कुछ होश ही नहीं है, आप गिर पड़े तो आपको पता ही नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है। वुंडेड, सीवियरली इंजर्ड, घायल हो जाना, बहुत बुरी तरह से घायल होना। अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी जाग जाना, एकदम से नींद खुल जाना। फॉरगिव, पार्डन, माफ करना। फेथफुल, लॉयल, यानी आप बहुत ज्यादा किसी के प्रति लॉयल हैं, ईमानदार हैं। पिटी, फील सॉरी फॉर, दया दिखाना, आपको किसी के लिए बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको दया आ रही है। बेड्स, छोटे छोटे क्यारियां जिसे बोलते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, हम जो पेड़ों की क्यारियां बनाते हैं, फूलों की क्यारियां बनाते हैं, उसे बेड्स बोलते हैं। रिटर्न, वापस करना, गिव बैक। यूज एनी थ्री ऑफ द अबव वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर आपको ऊपर से जो तीन वर्ड्स हैं उनमें से कोई से चूज करके अपने आप सेंटेंसेस बनाने हैं, आप वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तीन वर्ड लिए हैं, फॉरगिव, बेड्स और रिटर्न। फॉरगिव का क्या है? इफ वी डू समथिंग रॉन्ग देन वी आर प्लीडेड अवर पेरेंट्स टू फॉरगिव अस, हम क्या करते हैं, कोई गलती करते हैं तो हम फौरन कहते हैं प्लीज प्लीज अब की कर दिया, आपकी सॉरी हो गया, अब नहीं करेंगे आगे से। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ कर दें। दूसरा है, द फ्लावर बेड्स इन द पार्क ब्लूमिंग विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर वर्थ वॉचिंग, जो फूल होते हैं बाग में या पार्क में, जब उनमें बहुत अच्छे से कलरफुल फूल आ जाते हैं तो देखते ही बनता है। तो ये जो फ्लावर बेड्स हैं, यानी ये जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं, इसको देखने में हमें बहुत आनंद आता है। तो आप इस तरीके से अपने मन में जो सेंटेंस आए उसको बना सकते हैं। थर्ड है, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल इन रिटर्न फॉर समथिंग गुड डन टू अस बाय एनीवन। इन रिटर्न मीन्स बदले में, वापस देना, या इन रिटर्न, अगर हमने कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें बदले में उसका आभार प्रकट करना चाहिए कि हाँ, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारी मदद करी, या आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर हम भी आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो ये चीज़ होती है इन रिटर्न की, मतलब हम वापस कर रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं, हम आपको जो है, अगर कुछ आपने जो भी किया उसका हम आपको आभार प्रकट कर रहे हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर आपके पास दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस में, आपको उस वर्ड को उसकी अप्रोप्रिएट फॉर्म के अकॉर्डिंग फिल करना है। एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज डैश। यहाँ पर आ रहा है वर्ड प्रोमिस, तो इसका आंसर क्या होगा, ही हैज प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेम्बर हिज प्रोमिस। उसने मुझे मदद का भरोसा दिया है, कि आपको क्या लगता है कि वो अपना प्रोमिस याद रखेगा? अब है पहला क्वेश्चन, द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। यहाँ है जज, तो आंसर क्या आएगा, द जज सेड, जज ने कहा कि जो फ्रेश सबूत है सिर्फ उसी के बिना पर वो अपने जजमेंट को चेंज करेंगे, यानी जो वो डिसीशन ले रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, उसको तभी बदलेंगे जब वो फ्रेश एविडेंस जो है उन्हें वो दिखाया जाएगा। दूसरा है, I didn't notice any serious dash of opinion among our debaters, although they dashed from one another over small points. फिल क्या करना है? Differ. तो इसमें क्या है कि I didn't notice any serious difference. मैंने नहीं ऐसा नोटिस किया कि बहुत गंभीर रूप से विचारों में डिफरेंस हो, मतभेद हो जो डिबेट कर रहे हैं उनके बीच में। हालांकि they differ from one another over small points. एक दूसरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे वो एक दूसरे से अलग है। थर्ड है, इट्स फेयरली अ सिंपल क्वेश्चन टू डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माय डैश एज फाइनल। आपको क्या फिल करना है? आंसर। तो इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, पर क्या आप एक्सेप्ट करोगे मेरे आंसर को अगर मैं उसको कहूँ कि ये फाइनल है, मतलब मेरा जो जवाब है मैं इसको फाइनल तौर पर आपको बोलूँ तो ये आप इस आंसर को मानोगे। It isn't dash
दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन नेसेसरी. तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज इन नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है. दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, की जरूरत जो है हमेशा किसी नई चीज को जन्म दे, ऐसा जरूरी नहीं है. फिफ्थ है, हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल. आंसर फिल करना है आपको वाइस से रिलेटेड. तो हर्मिट्स आर वाइज मैन, बुद्धिमान होते हैं. अब उनमें ये जो बुद्धिमता है ये कहां से आती है, कोई नहीं जानता. हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल. सिक्स्थ है, द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन. यहां पर आंसर है डिसाइड, वर्ड जो फिल करना है. तो कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने डिसीजन लिया है, डिसाइड किया है कि वो जगदीश को कैप्टन बनाएंगे इस टीम का. द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, और ये जो हम लोगों ने डिसीजन लिया है ये का जो है सबको पसंद आएगा. लास्ट है, आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश, वर्ड है फॉरगिव. आस्किंग फॉर डैश, माफी जो होती है, क्षमा मांगना, वो उतना ही अच्छा काम है जितना आप क्षमा करते हो. क्षमा मांगना भी उतनी ही अच्छी चीज है कि जितना क्षमा करना, माफ करना जिसे कहते हैं. तो ये था आपका चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज. आपको समझ में आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन. बाय.